देखिए ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि बहुत बिना धूप के या कम धूप में चलने वाले प्लांट हैं। तो आज मैं वही प्लांट शेयर करूंगी जिसके पास कम धूप आती हो या बालकोनी एरिया हो। और ये इतने खूबसूरत ये फॉलीज वाले प्लांट हैं कि फूलों को भी ये मात देते हैं ये खूबसूरत अपने पत्तों से। यस देखिए कितना खूबसूरत फॉलीज वाला इस प्लांट है और कितना खूबसूरत इसमें कलर्स आते हैं और इसकी पत्तियां देख के तो दिल खुश हो जाता है और बहुत सारे इसमें कलर्स सेट में आते हैं। तो ये देखिए ये एक ये है और एक ये पिंक कलर में है इसका ये। तो ये 40 रुपीज़ में है नर्सरी में। तो इसे भी अगर दो चार कलर्स ऐसे लगा दें तो ये फूलों की कमी को पूरा कर देता है और बहुत ही कहीं से भी अगर कटिंग से आप लगा लें तो ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। यहाँ नोड एरिया से कहीं से भी आप कटिंग से लगा लें बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत ये ज़्यादा इसकी धूप की नहीं जहाँ छन छन की धूप आए वहाँ रख दें। और ये छोटे से छोटे हैंगिंग प्लांट में भी आप इसे लगा सकते हैं। आपके पास अगर छोटी सी बालकोनी एरिया है तो हैंगिंग वाला जो प्लांटर होता है उसमें लगा के आप इसे रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सुंदर कोलियस है ये और ये 40 रुपीज़ में है। और ये क्रिसमस ट्री है तो देखिए कितना खूबसूरत है ये बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस ट्री होता है और क्रिसमस में इसे बहुत खूबसूरत से डेकोरेशन किया जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। और ये भी इंडोर में चलने वाला प्लांट है कि अंदर रूम में भी रख सकते हैं इस प्लांट को। और इसको एक बार फिर वही बोलूँगी कि वीकली एक बार धूप जरूर दिखाया कीजिए। और ये 150 में है यहाँ और बहुत खूबसूरत है। किसी भी आप अंदर इंडोर में रख सकते हैं इस क्रिसमस ट्री को। और नेक्स्ट प्लांट इसके बाद आप क्रोटन ले जाइए। बहुत ही खूबसूरत वैरायटी में आता है, अनगिनत वैरायटी में आता है और कलर्स बहुत सारे सेट में आता है कोलियस। और देखिए इसमें ये एक वैरायटी है और इधर भी देखिए एक यहाँ ये वाली एक वैरायटी है और भी बहुत सारी वैरायटी है। और देखिए ये बड़े वाले कितने का भैया? ये 220। ये देखिए थोड़ा सा बड़े पॉली बैग में लगा हुआ है लेकिन प्लांट बहुत बड़ा और बहुत हेल्दी है। ये 220 में है तो बहुत खूबसूरत। देखिए इसके पत्ते कितने खूबसूरत हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किस पर किसी ने कलर कर दिया हो। तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी ज़्यादा इसको धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत कम केयर में ये बहुत ईजी से चलता है। उसके बाद ये रबर प्लांट है कम धूप में चलने वाला और इसको आप अंदर भी रख सकते हैं, बस वीकली एक बार धूप दिखा दे, सुबह की मॉर्निंग की धूप दिखा दे। बहुत ही खूबसूरत। और इसमें अब तो वेरीगेटेड वाला भी आता है ये रबर प्लांट में। ये 180 में है और 50 में भी छोटे प्लांट में मिल जाते हैं। 50 रुपीज़ में भी, अगर प्लांट पर डिपेंड करता है, कभी भी बोलती हूँ प्लांट पर डिपेंड। बहुत बड़ा देखिए, बहुत बड़ा पॉली बैग में है और बहुत खूबसूरत इसके ऐसे इसके पत्ते होते हैं बिल्कुल रबर की तरह एकदम। तो ये रबर प्लांट आप ले जा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है और कम धूप की और बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है, पानी की बस ख्याल रखें। तो ये भी कम धूप में चलने वाला ये प्लांट है, रबर प्लांट। और ये ड्रेसिना है तो देखिए इसके पत्तियाँ कितना खूबसूरत है। ये ड्रैगन ड्रेसिना है, इसमें दो कलर्स हैं, एक ये ग्रीन और लाइट येलो शेड में है और ये दूसरा वाला ये रेड थोड़ा पिंकिश कलर के सेट में है। तो ये ड्रैगन ड्रेसिना बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। बहुत जल्दी आसानी से ये बहुत आराम से लग जाता है और इसे कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए कितना खूबसूरत है ये, इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत पतली पतली वाली हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेसिना है। तो ये भी कम धूप में चलने वाला है जहाँ छन छन की धूप आती हो, बालकोनी एरिया के लिए बेस्ट प्लांट है ये ड्रेसिना। ये फॉलीज लीव्स वाला ये बोल रहे हैं भैया, रेड रॉबिन है तो अब नाम मुझे तो पता नहीं लेकिन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ये भैया बोल रहे हैं कि ये भी इंडोर प्लांट है, इंडोर में रखने वाला प्लांट है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको धूप में रखिएगा तो ज़्यादा इसकी पत्तियाँ निखर के आएंगी। और ये ड्वार्फ वाली स्नेक प्लांट है जिसे सेंसेवेरिया बोलते हैं और ये लॉन्ग वाली है।
तो ये नर्सरी में 80 से 100 के बीच में मिल जाता है। और देखिए कितना खूबसूरत ये डॉफ वाला इसके लीफ है। तो ये बहुत अच्छा रूम में चलने वाला इंडोर प्लांट है, और ये आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। देखिए ये डॉफ वाली जो वेराइटी होती है, और बहुत सुंदर सुंदर कलर्स वेराइटी में ये आता है ये सेंसरवेरिया। तो इसे भी आप इंडोर में जहाँ कम धूप हो, जहाँ बालकनी एरिया है आपको आपकी, वहाँ आप ये प्लांट रख सकते हैं। ये स्नेक्स प्लांट जिसे सेंसरवेरिया बोलते हैं, ये लॉन्ग वाली वेराइटी है। और इधर देखिए ये डेफिनबेकिया है। तो डेफिनबेकिया भी एक बहुत ही खूबसूरत फोलियज वाला पत्ते होते हैं। देखिए कितना खूबसूरत इसके पत्ते हैं। इसे भी आप इंडोर में रख सकते हैं जहाँ छन छन की धूप आती हो, या रूम के अंदर भी रख सकते हैं। बस के लिए एक बार धूप दिखा दिया कीजिए। और बहुत खूबसूरत ये कटिंग से बहुत ईजी से लगने वाला प्लांट है डेफिनबेकिया। बट थोड़े बच्चों से बचा के रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा जहरीला प्लांट माना जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये भी एक प्लांट है डेफिनबेकिया, इंडोर प्लांट है। और इधर ड्रेसिना की वेराइटी है एक, तो ये भी इंडोर प्लांट है। ये बहुत कम धूप की इसको ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे दो चार प्लांट लगा दे तो पूरे बालकनी में ग्रीनरी फैल जाएगी। तो बहुत खूबसूरत है ये, 50 रुपीज़ में है ये ड्रेसिना। तो ये भी इंडोर में रखने वाला प्लांट है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया भी देखिए इसके पत्ते कितने खूबसूरत हैं। और कटिंग से जो यहाँ स्टेम कटिंग है, यहाँ कटिंग से बरसात में ये नोड एरिया से आप लगा लीजिए तो ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत इंडोर में चलने वाला बहुत खूबसूरत ये प्लांट है। और देखिए पत्तियाँ कितनी खूबसूरत है इसकी, तो बहुत ही खूबसूरत ये इंडोर प्लांट है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो इसे भी अपने बालकनी एरिया हो, जहाँ कम धूप हो वहाँ आप लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो ये सारे इंडोर प्लांट हैं जो कि आप जहाँ कम धूप आती हो, जहाँ आपकी बालकनी एरिया हो वहाँ आप इन सब, देखिए ये भी एक ड्रेसिना की वेराइटी है, ये डिफरेंट इसकी वेराइटी है। तो आप ये लगा सकते हैं जहाँ धूप की आपको प्रॉब्लम हो, जहाँ धूप कम आती हो। और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत ये सारे इंडोर प्लांट हैं, आप जहाँ कम धूप हो वहाँ आप ये प्लांट को लगा सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।